नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड टेक। दोस्तों एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर है हम, नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों आज बात करेंगे IDBI बैंक की, जिसमें निकली हुई है रिक्रूटमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, IDBI में रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, तो मैं पूरी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहे हैं आप। और लेटेस्ट अपडेट इसी तरह पाने के लिए, सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई सारी भर्ती पाने के लिए, आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के नीचे आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आप आज हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चाहिए हमारा चैनल, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना चाहिए, जिससे हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे सरकारी नौकरी से जुड़े हुए, वो आपको सबसे पहले प्राप्त किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट्स की। तो आप हमारी साइट पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है IDBI बैंक में एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 760 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन। ठीक है, लास्ट डेट है 28/2/2018। तो मैं आपको इसका नोटिफिकेशन सीधे लेके चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन का, वो है 28/2/2018 लास्ट डेट। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए मैं आपको बेसिक इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, कि इसकी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पर क्वालिफिकेशन, आप कोई सी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज मेंशन की हुई है कि कम से कम आप 60% होने चाहिए आपके पास में, 60% होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, जो भी जनरल और OBC कैटेगरी का है, और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 55% चल जाएगा। यहाँ पर हम एज रिलैक्सेशन, एज की बात करते हैं पहले, तो कि 20 से 25 साल यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, वो मैं आपको नीचे बताऊँगा। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो है अप्रैल की, तो 28 अप्रैल के आसपास में इसके एग्ज़ाम होंगे। वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको पोस्ट बताया, 760 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर रखी पोस्ट। आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो एज की डेट है, वो कट ऑफ जो एज की डेट है, वो क्राइटेरिया कब तक का है, कि 1 जनवरी 2018 तक में आपकी एज आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं 6 फरवरी से और 28 फरवरी तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर पेमेंट भी है जो आपको करना है, वो भी 6 फरवरी से 28 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यहाँ पर SC ST और OBC के लिए प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग चलेगी, जिसके लिए आप इस डेट तक ट्रेनिंग ले सकते हैं। अप्रैल में चलेगी, 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। और एग्ज़ाम की डेट जो रहेगी ऑल सेंटर में, वो 28 अप्रैल की रहेगी, टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं सैलरी की। अगर आपको पोस्ट मिल जाती है, अगर आप अपॉइंट किए जाते हैं, तो आपको सैलरी यहाँ पर पहले साल की मिलेगी 17,000 एक साल की, सेकंड ईयर की मिलेगी 18,500 रुपये, और थर्ड ईयर में मिलेगी आपकी 20,000। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं और बेसिक जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं एज का रिलैक्सेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप इसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी रिक्रूटमेंट्स अगर आती है तो उसके लिए आपको अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ना है, फिर ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए डिग्री ग्रेजुएशन इन अ डिसिप्लिन फ्रॉम अ एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने बता ही दिया है कि ग्रेजुएशन चाहिए आपके लिए। और नीचे चलते हैं यहाँ पर और थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 150 रुपये SC ST की एप्लीकेशन फ़ीस है PWD के साथ में, और 700 रुपये जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ये रहा, ये आपको लिंक है। तो दोस्तों आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। इस नोटिफिकेशन में आपको स्टेप बाई स्टेप इन्होंने गाइड भी किया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम जो भी नए वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।